अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शहजाद अली खान, पाकिस्तान पिजन वीडियो गैलरी के साथ। इस बार आपके लिए कबूतरों की बीमारी के मुतालिक इंफॉर्मेशन और उसकी तमाम डिटेल्स इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊंगा। स्पेशली आज की जो वीडियो है मेरी, कबूतरों के ऊपर जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनमें बीमारियाँ आती हैं, उनके मुतालिक मैं आपको आगाह करूँगा और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। ये आपके बहुत इंफॉर्मेशन में बहुत काम आएगी। इसमें मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा, मेडिसिन की क्वांटिटी और उसकी देने की मिकदार भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। कबूतरों के अंदर बहुत सारे बीमारियां पाई जाती हैं। अब हर तरह के घर में अपना अपना खुले में लॉफ्ट में वायरस होता है। वो वायरस फिर ज़ाहरी बात है मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह का होता है, तो मुख्तलिफ तरह के वायरस बीमारियां जन्म लेती हैं कबूतरों में। जैसे कि कबूतरों का पाँव में कालापन आ जाना, कबूतरों के पाँव में गिल्टियाँ बन जाना, गढ़ बन जाना पाँव के अंदर, पोट के अंदर वर्म्स बन जाना, पोट के अंदर ट्यूमर्स बन जाना, जहरबाद जिसको कहते हैं जहरबाद भी बन जाता है, मुंह के अंदर जहरबाद बन जाना, कैंकर बन जाना, नाक बंद हो जाना, जैसे कि कबूतरों में और बीमारियां हैं, पोट का बंद हो जाना, इन्फेक्शन आ जाना अंतड़ियों में। कबूतरों में ऐसे बहुत सारी बीमारीज़ होती हैं, जो ख़तरनाक बीमारीज़ होती हैं वो ट्यूमर्स की शक्ल में होती हैं, जो जिसे कैंसर कह सकते हैं। ट्यूमर्स एक वदूद जिसे कहते हैं, वदूद नुमा होती हैं, वो अगर बन जाती हैं उसमें कबूतर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो जूँ जूँ वक्त के साथ बढ़ती हैं तो कबूतर अपनी सलाहियतों से महरूम होता जाता है और वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है कि ईवन के इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि वो पाइप जैसा हो जाता है, उसमें माजूरी का पन आ जाता है। ये स्पेशली कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो गले के अंदर आते हैं, गले के अंदर की ट्यूमर्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसका इलाज जो है परफेक्टली तरीके से वो तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन की वीडियो मैंने एक बारी अपलोड की थी, लेकिन यूट्यूब के रूल्स के मुताबिक कुछ इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मैंने शेयर तो की है लेकिन वो यूट्यूब उनको लोगों तक नहीं पहुंचाता वो वीडियो। वैसे मेरी लिस्ट में वो वीडियो अपलोड है। तो उसका इलाज ऑपरेशन होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर निकल आता है, उसमें अगर गले के अंदर निकल आया एक ट्यूमर तो वो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके इन्फेक्शन और वो सांस की नाली में स्क्योर टिश्यू बनाने में वो उसकी सांस को बंद कर देता है, तो इस तरह कबूतर की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो चलिए दोस्तों दवाइयों की तरफ चलते हैं। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो इन दवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा कारामद होते हैं, जैसे कि मुर्गियाँ होंगी, बकरियाँ होंगी, भेड़ बकरियाँ होंगी, जानवर होंगे, परिंदे होंगे, कबूतर होंगे, तोते होंगे, चिड़ियाँ होंगी, तो ये सब दवाइयाँ इनके लिए बनी है स्पेशली जो वेटनरी शॉप्स के ऊपर मिलती है। ये जो फार्म नहीं होते हैं जहाँ पे मुर्गियों के फार्म होते हैं वहाँ पे ये शॉप्स होती हैं। तो इनमें मैं आपको बीमारियाँ बताता हूँ कि जो बड़ी ख़ास खसूसी तौर पर इन परिंदों में पाई जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, जिससे कबूतर ख़राब होता है और उससे वो जैसे जैसे उसका अगर वक्त पे इलाज ना किया जाए तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो आप सब दोस्तों से इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़े काम आएगी, कबूतरों के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी और इनकी बीमारियों का असल मकसद पता चल जाएगा। तो दोस्तों बीमारियों में मैं आपको बीमारियों के नाम बताता हूँ, जैसे कि पहले नंबर पर है एंड्रोफ्लॉक्सा सिन, इसका पूरा नाम है एंड्रोफ्लॉक्सा सिन बीपी प्लस वेट। इसके अलावा दूसरी जो है वो है कोलेस्टीन सल्फेट,
कोलेस्टीन सल्फेट बीपी। तीसरी जो भी है वो है अमांटाडीन एचसीएल। तो व्यूअर्स जो सी एंड्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में मैं बताऊंगा। एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसा जदीदुल अर्स वसी जरासीम कश फार्मूला है जो कि सीआरडी सीसीआरडी और ईकोली टाइफाइड और कोरेजा जैसी बीमारियों के मुतलिक बहुत अच्छे से काम करता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा जो कोलिस्टीन सल्फेट है ना उसका किरदार क्या है। कोलिस्टीन सल्फेट इज़ अ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट बाय जीवी बैक्टीरिया एज लाइक सेलमोनेला और इसके अलावा ई कोली जैसे बीमारियों को ये बहुत अच्छे से ख़त्म करता है। मतलब अगर आप उर्दू में मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो सल्फेट का काम ये है ना, सल्फेट का काम ये है जो दूसरी वाली दवाई है ये मैदा और अंतड़ियों के बहुत काम आता है। ठीक हो गया। जो अंतड़ियों में वर्म्स इन्फेक्शंस बन जाते हैं आप उनको दाना देते हैं वो दाना नहीं खाते हैं वो कोट बंद कर देते हैं। उसकी वजह यही होती है उनकी अंतड़ियों में सोजिश होती है उनकी अंतड़ियों में वर्म्स आ जाते हैं उनकी अंतड़ियाँ इस कदर सूजी होती हैं जिससे वो दाना खाना छोड़ देता है और वो मोस्टली पानी पीता है। तो आपने इसका इलाज भी लिक्विड के ज़रिए से करना है। ये कोलिस्टीन सल्फेट है बीपी। इसमें ये फंक्शंस होते हैं मैदा और अंतड़ियों के ये बहुत काम आता है। इसमें इस किस्म की जितनी भी बीमारी जाती है ना उनको ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है और इनको रिमूव कर देता है। अच्छा इसके बाद जो तीसरी है वो अमांटाडीन है एचसीएल। अमांटाडीन का किरदार जो है वो परिंदों में बहुत अच्छा है। वो कैसे, अब एक परिंदे के अंदर वायरस आ गया है तो आप ये मत समझिए कि उसके अंदर एक ही वायरस है, मतलब वायरस एक ही है लेकिन एक वायरस बहुत सारे वायरस को जन्म देता है ये आपको भी पता होगा। एक वायरस जब बहुत सारे वायरसों को जन्म देना शुरू कर देता है ना छोटे छोटे वायरसों को तो कबूतर की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो आपको ये समझ नहीं लगती है कि ये शोमेंट तो ये करा रहा है लेकिन ये ठीक फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारी छोटी छोटे वायरस एंटर हो चुके होते हैं इसी के साथ बन चुके होते हैं तो आपको उनको भी ख़त्म करते करते बहुत टाइम गुजर जाएगा और उस टाइम को गुजरते गुजरते कबूतर आपके हाथ से निकल जाएगा। अमांटाडीन का किरदार ये है कि ये इस तरह के जो वायरस में बनने वाले मज़ीद वायरस होते हैं ना, वायरस में बनने वाली मज़ीद बीमारियां कह लें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इन्फ्लुएंजा एवियन और एनडी आईबी आईबीडी इस तरह के ये तमाम इन्फेक्टेड वायरसों को ये समझे कंट्रोल में करते हैं। ये कंट्रोल कर लिया इसने तो वायरस वहीं पे रुक जाता है, जो एक वायरस बना होता है उसी की हद तक ये इसको रखते हैं। फिर आप उसके ऊपर जब कोई भी डोज लगाते हैं तो वो उसको परफेक्टली काम करता है। तो ये तीन फार्मूले ऐसे हैं जो अगर आपके पास मेडिसिन में मौजूद हों तो ये बहुत अच्छे मौसर अंदाज में काम करेंगे। जैसे कि एंड्रो 17 एक लिक्विड है, औरल लिक्विड है ये एंड्रो 17 लिक्विड आपको वेटनरी शॉप पर मिलेगा। इसमें ये तीनों खसूसियात बल्कि पाई गई हैं। इसके अलावा एक एंड्रोसिन का नाम का एक लिक्विड है वो इन्फेक्टेड जो भी गले के अंदर है पोर्ट्स के अंदर है वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, उनको फौरन जल्दी रिमूव करते हैं। इन दोनों
लिक्विड की एक कबूतर की क्वांटिटी तो 2 ड्रॉप से ऊपर नहीं है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि अगर परिंदों में ये खास खास बीमारियाँ आती हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी बीमारियाँ बताई हैं, एक मुंह का काला हो जाना, कबूतर का नाक से हेड तक बाल खड़े करना, हेड से शोल्डर तक बाल खड़े करना, अच्छा शोल्डर से पैखाने तक बाल का खड़े करना, एक पाँव पे खड़े होना, क्रूंड जिसको पंजाबी में बोलते हैं, क्रूंड मार के बैठ जाना, दाना पानी करेगा लेकिन वो क्रूंड मारेगा, वो जैसे ठंड उसको लगी हो। तो ये स्पेशली जोड़े वाले कबूतरों में मादियों में बहुत पाए जाती हैं, क्योंकि इन इनके अंदर वर्म्स बन जाती हैं, ये फीड बैक करते हैं, फिर ये कलेक्ट करते हैं, फिर बैक करते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, इसमें ठंड में इनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन बढ़ता है। तो दोस्तों एनरो 17 को इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप इसको 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के साफ पानी में मिक्स करें और 7 दिन तक इनको पिलाएं, जो कबूतर बीमार की जद में आ चुके हैं। ठीक हो गया, जो बीमारी की जद में आए हुए हैं, जो आपको लगता है मौसम ख़राब हुआ है, कबूतर मेरे ख़राब हो रहे हैं, इस तरह के फंक्शंस कुछ खा नहीं रहे हैं ठीक से, मस्ती नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको ये 7 दिन तक दीजिए, 5 से 7 दिन के अंदर तक दीजिए। इसके अलावा कुछ दोस्तों के पास, अगर वो कहते हैं कि जी हमारे पास कबूतर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको मौसम चेंज होते वक्त इनमें बीमारी ना आए, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे वो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे एनरो का, वो एनरो को एनरो 17 नाम है इसका, इसको आपने यूज़ इस तरह करना है। आगे मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा बना के भी, ये एनरो 17 हो गया, और भी सारी मेडिसिन जो जो बीमारी के मुतलिक इस्तेमाल होते हुए आई हैं, और इस मैं आगे बीमारी में जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा वो आपको साथ ज़रूर बताऊँगा कि कबूतरों को इलाज करते वक्त क्या क्या दिया गया है। तो इंशाल्लाह वो आगे की इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के मरहले में ज़रूर दिखेंगी। एंड्रो 17, जब आपके कबूतर ठीक और आप चाहते हैं कि एहतियाती तौर पर इनको अब दिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर आपने 1 मिलीमीटर लेकर इसको साफ 4 मिलीमीटर के पानी में मिक्स करके इनको पिलाएं, ठीक होगा। तो दोस्तों ये वो बीमारियां होती हैं जिनके मुतालिक हमें अगर तो वक्त पे आगाह हो जाए, कोशिश ये करें कि जब आप दाना डालते हैं, दाना डालते वक्त ज़रूर कबूतरों के पास बैठ के उनको देखें। कोई कुछ कबूतर ऐसे होते हैं वो पानी पीते वक्त उनके उनको पानी लगता है गले में, ये फीलिंग महसूस करें। कुछ ऐसे होते हैं दाना पानी खा के अपनी जगह जाके बैठते हैं, वो पोट के फंक्शन को मूवमेंट करते रहते हैं, ये उनमें आ जाता है मसला। इसके अलावा कबूतर का अगर आप बर वक्त इलाज करेंगे ना, तो पहले ही आपको पता चल जाए तो फिर आपको ये इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड्रोसिन जो दवाई है वो भी आप जब भी यूज़ करें, एक कबूतर के मुताबिक 2 ड्रॉप से ऊपर मत करें, उसमें फ्लैजल साथ मिक्स करें, और उसमें पेंसिलीन 10 लखा मिलता है, वो आपको माचिस की ज़रे बराबर। इंशाल्लाह आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो जब बनाऊंगा तो भी आपको दिखाऊंगा, तो आप इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कोशिश करूंगा ये चीज़ें आपको बार बार बताऊं, ताकि आपको मेरी वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो। बहुत सारे कबूतर इसी तरह मैं ठीक करता हूँ, इसी वजह से मसरूफ़ रहता हूँ, जब सीज़न पलटता है या मेरे पास कुछ सेटअप बहुत सारे हैं उनमें जो बीमार होते हैं वो मुंतकिल करता हूँ अपनी इस जगह पर, इन जगह पर आके मैं फिर उनका इलाज करता हूँ अच्छे से। तो ये वीडियोस में कुछ टाइम ऐसे भी हो सकता है कि मैं रात के वक्त दवाई बनाता हूँ, अकेले में नहीं बना पाता, लेकिन आपको इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा अपने कबूतर के साथ इतनी मोहब्बत करके उसका इलाज करना है कि बस आपको लगे कि सब कुछ इसी पे अपना वक्त ज़ाया करना है। जितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड करेंगे बीमारी में, आपको उसकी बीमारी बहुत अच्छे से समझ लगेगी। इवन के
वक्त में ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान को मेडिसिन चेंज भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि मेडिसिन जब आप उसकी कंडीशन देखेंगे, कंडीशन के हिसाब से कभी ऐसे हो जाते हैं कि कबूतर फिर इंजेक्शन की हद तक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बीमारियों के मुतल्लिक ये चीज़ें मालूम पड़ गई होंगी। इंशाल्लाह आगे वीडियो इसी मुतल्लिक बनाऊँगा, बीमारियों के मुतल्लिक। तो ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, सारी बीमारी जो भी कबूतर बीमार होते हैं उनको साथ में ला के आपको दिखाऊँगा। उन पे फिर उनको जो मेडिसिन देता हूँ वो इंशाल्लाह देते वक्त आप देख लीजिएगा। तो साथ साथ इनमें दिन कबूतरों की जो ठीक होने के दिन होते हैं वो 3 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 11 दिन होते हैं, और मैक्स जो है वो 16 दिन होते हैं। 16 दिन तक कबूतर जाता है। और कबूतरों की कंडीशन को ठीक करते वक्त ज़रूरी नहीं आप उनको दाना पानी खिलाएं, दाना पानी भी नहीं खिलाना पड़ता, सिर्फ लिक्विड से विटामिन से काम चलाना है आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कबूतर को कभी भी आप खुराक मत दें। खुराक देने से वो उल्टी करेगा, उसका पोट बंद होगा, आपके लिए मसला बनेगा। पोट बंद होता है तो आपने फ़ौरन उसको पलटाना है, पलटाने का तरीका हर चीज़ सब आपको मालूम होनी चाहिए। तो जिन हजरात को तो माशाल्लाह से इन चीज़ों के बारे में पता होगा उनके लिए तो ये वीडियो मेरे ख्याल से नहीं होगी काम की, लेकिन जिन लोगों ने नया शौक़ शुरू किया है, जिन लोगों को इन चीज़ों के मुतलिक, परिंदों के मुतलिक नहीं मालूमात, तो वो इंशाल्लाह उनको इससे बहुत हेल्पफुल उनको ये वीडियो लगेगी। ओके व्यूअर्स, तो इससे पहले कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए इजाज़त दीजिए मुझे। बाकी कबूतर की बीमारियों में मैंने आपको सारी बीमारियां समझा दी हैं। जो 3 खास बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, CRD, CCRD, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बहुत बहुत ज़्यादा गले की दुश्वारियां आती हैं, खर खर भी होती है। खर खर देते वक्त आप लिफ लॉक्स यूज़ कर लें। लिफ लॉक्स की एक टैबलेट मिलती है, अगर आपको लगता है कि गले में रेशा बहुत ज़्यादा है तो आधी टैबलेट आप उसको रात को दे दें 2 CC पानी के साथ। फिर अगर कुछ कबूतर ऐसे होते हैं वो खाते पीते बहुत बेताबी से हैं, बहुत बेचैनी से हैं, लेकिन खाते ही फिर वो बैठ जाते हैं और सूजन बना लेते हैं बॉडी में, तो आप ये समझें कि उसके जो खाने पीने का फंक्शन वो ठीक है, खाता ठीक है, तो उसके पेट में ज़रूर वो कीड़े होंगे। आप उसको डिवॉर्मिंग कराएं। डिवॉर्मिंग अगर आपको कराना नहीं आता तो आप फिर कैटरस की एक टैबलेट मिलती है वो आप आधी दे दें, रात को उसको खिला दें, तो इंशाल्लाह वो 2 से 3 बार देंगे उसके पेट के सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये बार बार आपको इन चीज़ों के मतलब बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आज मौसम बहुत बादल वाला है, यहाँ पे फरवरी का ही महीना है। इंशाल्लाह दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, चलते हैं दुआ के साथ, मिलते हैं एक लंबी सी ब्रेक के बाद।